वेस्टइंडीज ए वर्सेस नेपाल की 5 मैच की जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं इसी मैच के साथ फाइनली आज कंप्लीट हुई। और इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर नेपाल ने एक बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही क्रिटिकल विन के साथ इस सीरीज को यहाँ पर कंप्लीट किया। अपने T20 वर्ल्ड कप की जर्नी जो है उसे शुरू करने से पहले ही कहीं ना कहीं रवाना होने वाले हैं, क्योंकि कल उनका फेयरवेल वगैरह जो भी प्रोग्राम्स वगैरह थे वो सब कल हो गए थे। तो आज की मैच की बात करें तो बहुत ही क्रिटिकल नोट पर टीम ने यहाँ पर फिनिश किया है। तो सीधी सी बात है, जो हमारी जो हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत बारीकी से जो लोग सुनते हैं डेफिनेटली वो इस वीडियो में हम चाहेंगे कि पूरे लंबे वक्त तक आप पूरे वीडियो को कहीं ना कहीं जरूर सुने, कि बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं जो एनालिसिस के थ्रू आप तक कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है उस तरह की सिचुएशन में जब बात आती है मेन मुद्दों वाली। तो खैर, और बाकी जो जितने भी लोग इस वीडियो को सुनने के लिए आए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप अभी तक बने हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस मैच के एनालिसिस शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारा जो पैटर्न रहता है, शुरुआत तो हम फेस बाय फेस से ही करेंगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा। जरूर, 1 से 6 ओवर की बात करें तो वेस्ट इंडीज ए ने 53 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 46 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला फेस वेस्ट इंडीज ए के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ 59 रन बनाए वेस्ट इंडीज ए ने 3 विकेट के नुकसान पर, और यहीं नेपाल ने 75 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। ये मिड फेस नेपाल के नाम रहा। डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो 50 रन बनाए वेस्ट इंडीज ए ने और अपने 3 विकेट वहां पर गंवाए, और वहीं नेपाल ने 52 रन इस फेस में और जोड़े और 2 विकेट उन्होंने इस फेस में गंवाए हैं। तो ऑब्वियसली ये फेस भी नेपाल के नाम रहा। 2 फेस नेपाल ने जीते, 1 वेस्ट इंडीज ए ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ए ने 172 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, वहीं नेपाल ने इसे 18.4 ओवर में बहुत अच्छी तरीके से इस चेस को कंप्लीट किया। बिल्कुल, आज के फेस की जो आप कंपैरिजन देख रहे हैं, यकीन मानिए तीनों के तीनों फेस नेपाल के नाम होते हैं। वो एक जो फेस है वो भी नेपाल के नाम होता, उसके पीछे वो क्यों नहीं हो पाया आगे इस पर बात जरूर करेंगे। एंड सबसे पहले आप बात करते हैं वेस्ट इंडीज ए का जो बैटिंग कार्ड रहा है, उनके जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं आज की अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। चार्ज की बात करें तो आज थोड़े से 24 रनों ने खेले, आज भी अच्छी खासी शुरुआत ने मिल गई थी, हालांकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी स्लो स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद बात करें अगर हम देखें यहाँ पर कदीम की, तो उन्होंने सिर्फ 11 रन किए, और टॉप ऑर्डर जो रहा वो तीनों ही लगभग फेलियर ही रहे। अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर चला है और मिडिल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है, तीनों ही मिडिल ऑर्डर, रॉस्टन चेस कैप्टन जिन्होंने 33 रन किए, उसके बाद एलिक एथिन्स जिन्होंने 42 रन किए, और उसके बाद मैथ्यू फोर्ड जिन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया 12 गेंदों में 23 रन, और इन्हीं सबकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो है 172 रन पहुंचने में कामयाब हुई, और 173 रन का चेस नेपाल के सामने यहां पर प्रेजेंट किया गया। अब बात करते हैं यहां पर नेपाल के बॉलिंग कार्ड की बात करें तो आज करीब करीब 6 बॉलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और मैं आपसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत वक्त बाद एक बहुत बेहतरीन चीज लगी आज पूरे मैच में, और वो डेफिनेटली नहीं, सबके लिए अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, किसी को क्या पसंद आया किसी को क्या पसंद आया, लेकिन डेल क्रिकेट जो पसंद आया वो आया फाइनली किसी एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ से मैच में डिलीवर होना, और खास करके पेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोमपाल कामी काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहे थे और आज एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपनी टीमों में जी हाँ बहुत अच्छा लगा देखकर, और अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत बेहतरीन उन्होंने इस वक्त पर आकर, अब सही वक्त जब हम जा रहे हैं नेपाल की टीम उस कप के पास जा रही है, तो अच्छा है। जितना ज्यादा रिदम में हो, रिदम में रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप विकेट ना ले, 1 विकेट ले कोई बात नहीं है, रन कम खर्च करें 1 विकेट ले, लेकिन दिल्ली क्रिकेट इतना बेवकूफ नहीं है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, हम आपसे 5 विकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये हम कई बार कह चुके हैं जो हमें सुनते हैं अच्छी तरह। रिदम में रहना बस, इट्स ओके, अगर आप रिदम में हैं तो आने वाले वक्त में कभी भी आप सामने वाली टीम का जो है सामने वाली टीम पर प्रेशर बना सकते हैं, उनका विकेट ले सकते हैं। एग्जैक्टली सोमपाल कामी ने आज ये अच्छा किया है, अगर वो इस रिदम में रहें, कहाँ कम रन देकर 1 विकेट निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल जा रहे हैं, तो जो साथी बॉलर हैं उन पर भी थोड़ा सा कम डेंजर आएगा कि यार हम 12-15-16 रन दे दें, लेकिन हमारे पास एक बॉलर ऐसे भी हैं जो काफ़ी कम रन दे रहे हैं, तो कितना ही रन देंगे और साथी बॉलर्स 12 रन 15 रन, लेकिन सोमपाल कामी जैसे बॉलर जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो आकर बचा सकते हैं रन और सामने वालों का विकेट भी निकाल सकते हैं, अगर वो रिदम में है। रिदम की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, शायद पक गए होंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अलग एक इंप्रेशन पड़ता है टीम का, और उसमें कंसिस्टेंसी बने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मैच में जो सोमपाल कामी की परफॉर्मेंस आई है उस पर एक्सपीरियंस साफ झलक रहा था। बॉल 1 से बॉल 24 तक 24 गेंदों ने डाली है,
जी हाँ 26 गेंद चली है, तो उसमें पूरी तरह से वो उनका एक्सपीरियंस झलका। उन्होंने शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने ब्लॉक होल बॉल्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने खिंची हुई बॉल रखी। जब टेल एंडर आया तो उन्हें पता था टेल एंडर ज्यादातर स्लॉट के लिए जाते हैं और स्लॉट बॉल्स का इंतजार करते हैं, तो उन्होंने घोड़ा के स्मोती जो थे उनकी थोड़ी खिंच के बॉल रखी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया अपने एक्सपीरियंस का, बॉडी लाइन के पास रखा, बॉडी के ज्यादा रूम नहीं दिया, तो ये बॉलिंग काफी शानदार आज सोमपाल की रही है। बस उम्मीद करेंगे कि इसमें कंसिस्टेंसी, अगर जैसे कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि हर मैच में 3 विकेट ले जी, और रिदम की बात जो हम कर रहे हैं वो बना रहे तो बहुत बेटर। और आपने ये भी सही कहा कि अगर एक बॉलर, आपके एक्सपीरियंस बॉलर बहुत कम रन खर्च करते हैं तो दूसरे बॉलर को भी कहीं ना कहीं मिल जाता है कि चलिए हम कितने ज्यादा खर्च कर पाएंगे। एग्जाम्पल में आज भी देखने को मिला, दीपेंद्र सिंह एरी और अविनाश बोरा बहुत जबरदस्त के लिए गए, लेकिन फिर भी टीम का स्कोर, सामने टीम का स्कोर 172 था। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज में रन्स गए हैं, 172 कोई बड़ा चेंज नहीं था, आराम से गेटेबल था, बिल्कुल गेटेबल था 172। उसके बावजूद भी 172, वरना अगर ये दोनों बहुत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होती तो शायद हमें 150 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता, लेकिन बीच में ब्रेक लगाया एंड सागर ढकल ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इससे पहले वो इकोनॉमिकल वगैरह जा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने विकेट्स भी निकाले और बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पर विकेट्स निकाले, बहुत शुरुआती में उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। अगर आप देखें ऊपर के विकेट है वो उन्होंने ही निकाले हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में सोमपाल कामी आए, उन्होंने भी फिर विकेट निकाले, तो बहुत अच्छी बॉलिंग आज हुई है। अगर देखिए हम सागर और सोमपाल ने बहुत अच्छा, और ऐसे ही कराते रहे, रिदम में रहे, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर बात अविनाश बोरा की भी जरूर करनी होगी। आज की अगर बात करें अविनाश बोरा के बारे में, शुरुआत उन्होंने काफी बेहतरीन की, एक ओवर शुरू के ओवर में खासे 5 रन करीब उन्होंने दिए थे, काफी अच्छी उनकी डिलीवरी पड़ रही थी, रोस्टन चेस का विकेट भी उन्होंने कहीं ना कहीं निकाल दिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 ओवरों में लगभग 44 रन उन्होंने खर्च कर डाले, और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और ये दीपेंद्र सिंह एरी को भी अगर हम देखें, और फिलहाल हम अविनाश की बात कर रहे हैं, अविनाश की भी हम देखें, अगर बॉल जो है वो ब्लॉक होल पे पड़ी है तो सामने कितना भी स्ट्रांग बल्लेबाज हो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए खेलना, चाहे कितनी भी बड़ी टीम का हो, लेकिन अगर ब्लॉक होल पे नहीं पड़ी है तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है बॉलें, और वो हमें आज देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जब आप वेरिएशंस ज्यादा नहीं कर पाते, बॉल के साथ वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो बैट्समैन जो है बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इनकी ज्यादातर बॉलें तो यहीं पर आएंगी, तो मैं खुद को पहले तैयार कर लेता हूं कि मैं कौन सा शॉट खेलूं। और वही देखने को मिला, मेरे ख्याल से 2 से 3 बाउंड्रीज जो है वो पीछे की तरफ वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने लगाई है अविनाश बोरा के ओवर्स में, 4 ओवर मिला के वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जा रहे थे इसी रीजन की वजह से। तो कहीं ना कहीं अविनाश बोरा को मेक श्योर करना होगा, एक तो बचने से दूर हटिए, बिल्कुल अविनाश बोरा कभी कभी बचने की कोशिश करते हैं वो कम से कम अपने दिमाग से निकाली, क्योंकि आप बच नहीं सकते, आपको फेस करना ही करना है। अगर आप रन्स खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बचने के चक्कर में आप जो वाइड्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रास दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टीम को बहुत भारी पड़ रही है। तो ये सीधी सी बात है कि ब्लॉक होल सटीक हुई तो ठीक, नहीं हुई तो बहुत एक्सपेंसिव टीम के लिए वो निकलते हुए नजर आते हैं, और उसी में अविनाश को थोड़ा सा और बेहतर काम करना होगा, क्योंकि अब आने वाले वक्त में T20 वर्ल्ड कप में 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उनकी तैयारी भी करनी होगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कहीं ना कहीं होगी, इसमें क्लिनिकली सोमपाल कामी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और अच्छा लगा देखकर, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा देखकर सोमपाल कामी फाइनली एक्सपीरियंस जो पेसर थे वो आज कहने की उनकी एक्सपीरियंस की परफॉर्मेंस से निकल कर आए। होते हैं 3-4 विकेट तो कभी भी ले जाते हैं बॉलर्स, लेकिन उनमें आपको ज्यादातर दिखेगा कि गए हैं, ले लिए, उठा उठा के मार रहे हैं, ले लिए, लेकिन सोमपाल कामी के 3 विकेट जो आज मिले उनका एक्सपीरियंस उसमें उन्होंने काफी ज्यादा कूट कूट कर यूज किया हुआ था। बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं यान, आप यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन कुछ है एनालाइज करने के लिए, एंड क्या कहेंगे, कुशल गुर्जर आज फिर से उन्हें स्टार्ट मिला और वो फिर से कहीं ना कहीं अपना विकेट जो है वो गवा कर चले गए, और एक और फेलियर उनके साथ यहाँ पर एड होंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये तो खैर अब करना ही पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, वर्ल्ड कप में भी अब आ चुके हैं तो अच्छा है, चलिए आपके लिए स्पॉट बन गया है, लेकिन लगातार खिला रहे हैं कोच और कप्तान, तो कितना मौका दिया जा रहा है तो इसके लिए थोड़ा उनको परफॉर्मेंस अपना करना होगा, करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लेकर आए, कहीं से भी उठाए, पर परफॉर्मेंस लानी होगी उन्हें। जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप शॉट अच्छा खेलते हैं, आपके शॉट सिलेक्शन, जब आप चौका छक्का लगाते हैं तो देखने लायक जी है। ऐसा नहीं है कि कोई 10वें नंबर का बॉलर मार रहा है, तो आप में वो काबिलियत है, तरीका आपको मालूम है खेलने का, आप बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा देखना होगा कि वर्क करना होगा कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है। अब तो अवे में है, अब तो और ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो अच्छे हैं वो सही वक्त पर भी काम आना चाहिए। हाँ, सही वक्त पर भी सही वो चीज निकल कर आनी चाहिए कि हाँ ये अच्छे प्लेयर अच्छे वक्त पर चले, बस यही देखने वाली बात।
हो जाएगी। तो और कहीं ना कहीं एक चीज है, कुशल गुर्जर को थोड़ा ठहरना होगा अगर उन्हें अपनी फॉर्म को वापस लानी होगी। तो इतना तो क्लियर है, उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा रहने की कोशिश करनी होगी बजाय स्ट्राइकर एंड में। शुरू की फेस की अगर हम बात करें, अगर वो उस फेस को निकाल लेते हैं तो शायद बहुत ही ज्यादा दूर नहीं होंगे हम कि उनकी बल्ले से हम वापस से रन देखने को मिले। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, जो दे नहीं रहे, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपने फॉर्म को लाने के चक्कर में, उसी पेस में खेले जा रहे हैं जहां पर थोड़ा सा गुंजाइश किया जा सकता है। उसके बाद बात करें आसिफ और अनिल शाह की पार्टनरशिप की, कमाल की पार्टनरशिप, बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप यहाँ पर रही है। क्योंकि आज काफी पहले मैच के बाद आज वो मैच है जहां पर पूरा मैच है ना कि मैंने देखा है, एंड बीच के मैचेस तो आपने सारे देखे, लेकिन पहले मैच के बाद आज का मैच है जो कंप्लीट बॉल बाय बॉल देखा है मैंने आज पूरे के पूरे 4 घंटे। तो पूरी पार्टनरशिप मैंने बहुत बखूबी देखी है। उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, शुरू में अनिल शाह काफी स्ट्रगल कर रहे थे, शुरू के 20-25 गेंदों में बहुत डॉट बॉल्स खेल रहे थे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बढ़ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि ठीक जैसे ही अनिल शाह इधर आ रहे थे और आसिफ स्ट्राइक पे जा रहे थे, आसिफ ने बाउंड्रीज हिट की है, चाहे वो सिक्सेस हो या डबल्स निकाले या फोर्स निकाले हो, उन्होंने बाउंड्री से, इसकी वजह से बार बार जो रिक्वायर्ड रेट अनिल शाह की डॉट बॉल्स की वजह से बढ़ जा रहा था वो वापस से मेंटेन हो जा रहा था। अच्छा गेम था, बहुत बेहतरीन गेम खेला है आसिफ ने, बहुत कैलकुलेटेड खेला है। और फिर ये नहीं कि उन्होंने एक बाउंड्री मारी तो उसके बाद फिर से बाउंड्री मारने गए, ये उन्होंने नहीं किया, एक बाउंड्री मारी उन्होंने सिंगल ले लिया, फिर से अनिल शाह को सामने स्ट्राइक पे ले लिया। बहुत अच्छी कैलकुलेटिंग और स्मार्ट क्रिकेट खेला है आज आसिफ ने। और उसके बाद सेकंड फेस में जब अनिल को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, फिर सेकंड लास्ट की उन्होंने 10 गेंदों में अनिल शाह ने काफी अच्छी हिटिंग्स की है और रिक्वायरमेंट को बहुत नीचे लाकर फिनिश किया। जब तक वो जा रहे थे मैच को, जब वो आउट होकर जा रहे थे, मेरे ख्याल से 22 गेंदों में 35 रन करीब शायद इतने रन करीब चाहिए थे। और उसके बाद जो बचा कुचा काम था वो कुशल बंदा ने बहुत ही क्लीन तरीके से इस गेम को कंप्लीट कर दिया। दीपेन सिंह हरी अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए, उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम एक जाते जाते एक इनिंग अच्छी जरूर खेल कर जाएंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर नहीं हुआ। उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में जरूर यहाँ पर निकल कर आए। एंड ओवरऑल बैटिंग जो यूनिट रहा है आज का, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी एनालिसिस यहाँ पर समझा दिया। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है और ऐसी ही बल्लेबाजी अगर हमें थोड़ा सा इसका ग्लिम्स आने वाले वक्त में दिख जाए, मिल जाए देखने को अवे में, तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन और ज्यादा जब अवे में जाते हैं तो और मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है। 100% अगर यहाँ आप दे रहे हैं तो अवे में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपका होम नहीं है, आपका घर नहीं है, बिल्कुल ही अलग, एक अलहदा कंट्री हो जाती है वो। तो जरूर अच्छा करना होगा, वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बस यही है कि परफॉर्मेंस सही वक्त पर आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। प्रीमियर कप में नहीं आए, चलिए अब वो गया सो गया, गलतियां हैं, उससे आगे निकलिए। लेकिन आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर अगर सही परफॉर्मेंसेस आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी है, वो है अवे में। अवे में हमारे आप जानते हैं टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी रहती नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी करेंगे कि एक अच्छे नोट पर फिनिश किया है तो उम्मीद करेंगे कि वहां पर वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। और खास करके कुशल गुर्जर के बल्ले से अगर वहां पर कुछ अच्छी तगड़ी इनिंग आ जाए तो गेम नेपाल के फेवर में काफी हद तक टर्न अराउंड हो सकता है। एंड वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कार्ड की बात करें, आज कंप्लीट फेलियर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, ओबड़ मकाए नहीं 3 विकेट निकाले हैं, लेकिन रन काफी खर्च किए उन्होंने। वेस्ट इंडीज को मैच में भी वापस वही लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इकलौते रहे, बाकी किसी का साथ वेस्ट इंडीज ए को मिला नहीं। बाकी गुणा के स्मृति को तो थैंक्स होना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन खैर ये उनकी फुल मेंबर्स की बातें हैं, पर ओबिड मौका ही अकेले रहे। बिल्कुल, उन्होंने भी आपसे कहने की कोशिश की थी जब उन्होंने विकेट निकाले आसिफ के, बहुत अच्छी बॉलिंग रखी थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद लेकिन फॉर्मेलिटी था, उसके बाद जो गेम जो है बहुत आसानी से नेपाल ने, कुशल मल्ला ने तेज तरह उनकी ओवर लगा दी और तेज तरह रेटिंग के साथ उन्होंने गेम जो है वो फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ नेपाल ने इस गेम को इस तरह से कहीं ना कहीं कम्प्लीट किया और 3-2 से इस सीजन को कंप्लीट किया और सीरीज वेस्ट इंडीज जरूर जीता, लेकिन एट द एंड एक पॉजिटिव नोट पर कंप्लीट करके इस टूर के लिए जो आप निकल रहे हैं नेपाल की टीम, उसके लिए एक अच्छी जीत रही है, रही इसलिए जरूरी थी एक बूस्ट अप और एक कॉन्फिडेंस के लिए। कुछ चीजें अभी भी है जो हमने वीडियो में आपके सामने शेयर की है। एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अवे में, क्योंकि अवे में ये 11 लड़के एकदम डिफरेंट बैटिंग करते हुए हमें नजर आते हैं, अलग जो नजर आते हैं, वहां पर एक अलग चैलेंज रहेगा। और साथ साथ में कुछ आप प्लेयर्स की जो फॉर्म है वो अभी भी वही की वही है, जो एक बड़ा कंसर्न टीम के साथ जरूर रहेगा, लेकिन कुछ आप प्लेयर्स की फॉर्म बहुत ही अच्छी है जो उम्मीद करेंगे कि वो कैरी फॉरवर्ड चले क्रूशियल टाइम पर, जहां पर जरूरत हो सबसे ज्यादा वहां पर अगर चले तो बहुत बेहतर रहेगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, डेलीगेट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने डाली है, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। T20 वर्ल्ड कप का प्लेलिस्ट है, उसे भी जरूर चेक करिए। इस तरह की जो डेडिकेटेड एनालिसिस है वो आपको सिर्फ डेलीगेट में मिलेगी। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जाकर जरूर चेकआउट करिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे भी जाकर लाइक जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में